हार्दिक रूप से अभिनंदन है आप लोग हमारे BFM के मोस्ट एक्सपेक्टेड। अब देखिए ये जो हमारा सीरीज है ये पार्ट 3 है, इससे पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 बना दिया हूँ दोस्तों। तो दोस्तों पहले वो दोनों सीरीज जाके देख लीजिए। ये जो पार्टिकुलर सीरीज है इसमें मैं मार्क्स 1 टाइप के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उससे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्क्स, 1 मार्क्स के क्वेश्चन BFM में पूछे जाते हैं, कुल मिलाकर 50 क्वेश्चन का ये सेट है। तो फ्रेंड्स आप लोग एक बार अपना खुद से ट्राई कीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो में हम लोग कुछ थ्योरी पार्ट को भी कवर करेंगे, जैसा कि एक क्वेश्चन को यदि हम लेते हैं तो उससे रिलेटेड जो थ्योरी है उसे भी हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। तो अंत तक बने रहिएगा, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम लोग सिक्वेंस वाइज कवर कर रहे हैं। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि जब हम इनडायरेक्ट कोड को यूज कर रहे हैं और हम फॉरेन को कैलकुलेट कर रहे हैं भारत में, तो वो हमें निकल के आ रहा है 0.025 INR पर USD। तो $2 को कितने में खरीदा जा सकता है? ऑप्शन ए है 0.05 INR, ऑप्शन बी 80 INR 80 रुपया, ऑप्शन सी है 40 रुपया और ऑप्शन डी है 90 रुपया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 80 INR। अब मैं समझाता हूँ। देखिए दोस्तों जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज है उसको हम लोग कोट कर सकते हैं, जैसे देखिए 44.8 USD पर INR। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि डॉलर को खरीदा जा रहा है या बेचा जा रहा है 48.8 INR इंडियन रुपीज में। तो दोस्तों ये इनडायरेक्ट कोट जो होता है वो हमें फॉरेन करेंसी का अमाउंट देता है। इट गिव्स द अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी रिक्वायर्ड टू बी एक्सचेंज फॉर योर 1 यूनिट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। जैसे कि ऊपर एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं आपका 1 यूनिट ऑफ डोमेस्टिक। तो देखिए जैसे इनडायरेक्ट कोड में कैसे लिखते हैं आप 0.0223 INR पर USD। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि आपका जो डोमेस्टिक करेंसी वो क्या है? इंडियन रुपीज़ है। तो 1 इंडियन रुपीज़ को खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं आप कितने US डॉलर के लिए? तो वो है आपका 0.0223 US डॉलर। तो दोस्तों जब इनडायरेक्ट कोड की बात आती है तो हमारा डोमेस्टिक करेंट फिक्स होता है, और जब डायरेक्ट कोड की बात आती है तो हमारा फॉरेन करेंसी फिक्स होता है। जहां तक बात है इस क्वेश्चन में, तो आपसे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि 0.025 INR पर USD। पहले इसका मतलब समझिए। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमारा 1 रुपीज़ को हमें खरीदना है या बेचना है तो हमें 0.025 US डॉलर की आवश्यकता पड़ेगी। समझ रहे हैं बात को? सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले मीनिंग समझिए। यदि 1 इंडियन रुपीज़ को हमें खरीदना या बेचना है तो कितने US डॉलर की जरूरत पड़ेगी हमें? 0.025 US डॉलर की जरूरत पड़ेगी। अब दोस्तों क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि $2 खरीदना है तो यूनिटरी मेथड लगा दीजिए आप। कैसे लगाएगा यूनिटरी मेथड? तो दोस्तों 1 US डॉलर के लिए कितना इंडियन रुपीज हो जाएगा? 1 / 0.025। तो 1 US डॉलर के लिए है 1 / 0.025। तो $2 के लिए कितना हो जाएगा? 2 / 0.025। और जब आप 2 / 0.025 को खींचिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा 80 रुपीज़। समझ में आ गया दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि जो फॉरेन करेंसी है इंडिया में, देखिए ये सब बेसिक क्वेश्चन हैं, ठीक है। आप बोलिएगा कितना आसान क्वेश्चन, तो आता नहीं है, बिल्कुल नहीं आता है दोस्तों। पिछले साल के पैटर्न को देख के बिल्कुल नहीं आता है, लेकिन यदि आपका बेसिक मजबूत रहेगा तभी आप उस टिपिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा, वरना बेसिक स्ट्रांग ही नहीं है तो आप उसे बिल्कुल भी आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। चलिए तो फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया, देखिए यहाँ पे डायरेक्ट कोड दिया हुआ है USD पर INR, उसको कोड किया गया है 45.6 से 45.75। अब इसका क्या मतलब हुआ? ऑप्शन ए कह रहा है कि $1 को आप बेच सकते हैं 45.75 इंडियन रुपीज में। ऑप्शन बी कह रहा है 1 रुपीज़ को आप खरीद सकते हैं 45.6 US डॉलर में। ऑप्शन सी कह रहा है $3 को खरीद सकते हैं 137.25 INR में। ऑप्शन डी कह रहा है $1 कैन बी बाउट एट 45.6 INR। देखिए इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपका मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि डायरेक्ट कोड का मतलब क्या होता है। दोस्तों आइए हम समझते हैं। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि $3 को आप 137.25 इंडियन रुपीज़ में खरीद सकते हैं। अब मैं इसका मीनिंग देखिए ऊपर ही समझाया गया है। पहली बात कैसा कोट है, तो डायरेक्ट कोट है। तो डायरेक्ट कोट में मैंने क्या बताया है कि जैसे 44.8 US डॉलर पर INR है, इसका मतलब ये हुआ कि $1 को आप 44.8 इंडियन रुपीज़ में खरीदेंगे। अब जरा इस क्वेश्चन में आ जाइए, आपको कोट क्या दिया हुआ है 45.6 से लेकर 45.75। समझ रहे हैं बात को? जब भी ऐसा लिखा रहे तो आपको पता होना चाहिए कि पहला वाला होता है बाइंग रेट और दूसरा वाला होता है सेलिंग। समझ रहे हैं? चलिए अब दोस्तों इसका क्या मतलब हुआ कि 1 US डॉलर को यदि खरीदा जाएगा तो 45.6 रुपया में खरीदा जाएगा, और यदि बेचा जाएगा तो 45.75 रुपया में बेचा जाएगा। तो जरा ऑप्शन ए को देखिए क्या कर रहा है, $1 कैन बी सोल्ड एट 45.75, ठीक है, US डॉलर। उसके बाद दोस्तों बी कर रहा है कि 1 रुपी कैन बी बाउट एट 45.6 US डॉलर, ये तो बिल्कुल गलत है। सी कर रहा है $3, तो $3 के लिए क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए। समझ रहे हैं बात को? चलिए
और दोस्तों एक चीज़ पता होगा, जब डायरेक्ट कोट रहता है तो बाय लो सेल हाई प्रिंसिपल लागू होता है। तो बाय लो यानी लो प्राइस पे हम खरीदेंगे। अब देखिए लो प्राइस क्या है हमारा 45.60 है और हाई प्राइस क्या है हमारा 45.75 है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए इसमें क्रॉस रेट पे बेस्ड क्वेश्चन है। यूरो पर यूएसडी दे रखा है 1.4, जीएफी पर यूएसडी दे रखा है 1.6, तो जीएफी पर यूआर बताना है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी यानी 1.14। अब मैं इसका मतलब तो ये तो आपको पता ही होगा कैसे से कैलकुलेट करते हैं दोस्तों, ये तो बहुत सिंपल सी बात है। यूरो प्लस यूएसडी दिया हुआ 1.4 और जीएफी प्लस यूएसडी दिया हुआ, तो आपको निकालना क्या है, जीएफी प्लस यूरो निकालना है। तो उल्टा दीजिए, यूएसडी पर जीएफी निकाल लीजिए 1/1.6 और दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। किसी तरह से यूएसडी को 20 से हटाना है, बस समझ रहे बात को, यूएसडी कैसे हटेगा, एक यूएसडी आपका नोमिनेटर में हो और दूसरा यूएसडी आपका डिनोमिनेटर में हो, तभी तो यूएसडी यूएसडी कैंसिल होगा। और जब यूएसडी यूएसडी कैंसिल हो गया तो अपने आप आपको यूरो और जीबीपी के बीच में रिलेशनशिप मिल जाएगा, और जिस फॉर्म में क्वेश्चन कर रहा है उस फॉर्म में आप एक्सप्रेस कर दीजिए। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि जो हमारा यूएस डॉलर है उसके अगेंस्ट में रुपी एप्रिसिएट कब करेगा। ऑप्शन ए है जब आरबीआई इंटरेस्ट रेट को घटाएगी, ऑप्शन बी है जब ग्रोथ जो है वो घटेगा स्लो कर रहा है, ऑप्शन सी है जब पार्लियामेंट में हंग होगा, और ऑप्शन डी है इंडियन एक्सपोर्ट इंक्रीजेज विद रिस्पेक्ट टू इम्पोर्ट यानी हमारा जो निर्यात है वो आयात से ज़्यादा होगा दोस्तों। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी इंडियन एक्सपोर्ट इंक्रीजेज विद रिस्पेक्ट टू इम्पोर्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होगा, रुपी जो है यूएस डॉलर के कंपैरिजन में अप्रिसिएट होगा, रुपी की वैल्यू बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि ग्रेट इंडियन बैंक हैज अकाउंट विद ओल्ड स्ट्रीट बैंक इन यूके। समझिए एक ग्रेट इंडियन बैंक है, उसका अकाउंट है ओल्ड स्ट्रीट बैंक यूके में, तो ओल्ड स्ट्रीट बैंक के अकाउंट को ओल्ड स्ट्रीट बैंक उस अकाउंट को क्या कहेगी, नॉस्ट्रो अकाउंट, वॉस्ट्रो अकाउंट, लोडो अकाउंट। तो दोस्तों वो कहेगी उसे वॉस्ट्रो अकाउंट। देखिए यहाँ पे मैंने चार्ट लाया है आपके लिए, इसमें आपको मैं सभी चीज़ें समझा देता हूँ अच्छे तरीके से। देखिए ये जो हमारा एमसीक्यू का सेशन है, ये बेसिकली क्विक रिवीजन सेशन भी है, आप क्वेश्चन के थ्रू चीज़ों को सीख रहे हैं। दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू लर्न अ पार्टिकुलर कंसेप्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू अ क्वेश्चन एंड इफ यू आर अनेबल टू डू इट देन वी गो टू थ्योरी। ओके, सो हम लोग थ्योरी को कवर करते हैं और फिर थ्योरी के थ्रू हम लोग ट्राई करते हैं कंसेप्ट को समझने का। सबसे पहले देखिए लोडो अकाउंट क्या होता है। लोडो अकाउंट का मतलब है ही इज अकाउंट विद देम। एग्जांपल के तौर पर सिटी बैंक ने अमेरिकन एक्सप्रेस अकाउंट को एसबीआई मूवमेंट के साथ लोडो अकाउंट कहा गया है। देखिए समझिए सिटी बैंक क्या कर रहा है, अमेरिकन एक्सप्रेस का अकाउंट है एसबीआई मुंबई के साथ, तो वो जो अकाउंट होगा वो सिटी बैंक के लिए लोडो अकाउंट होगा। नॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है, आवर अकाउंट विथ यू। जैसे एसबीआई ने एक यूएस डॉलर अकाउंट मेंटेन किया है सिटी बैंक के साथ न्यूयॉर्क में, तो वो नॉस्ट्रो अकाउंट है किसके बुक में, एसबीआई के बुक में, समझ रहे हैं। और वॉस्ट्रो अकाउंट है किसके बुक में, सिटी बैंक के बुक में। तो देखिए समझ रहे हैं बात को, बस पर्सपेक्टिव का अंतर है। वही अकाउंट नॉस्ट्रो अकाउंट है एसबीआई के बुक में, क्योंकि आवर अकाउंट मेरा अकाउंट है तुम्हारे साथ, हाँ, और वो अकाउंट सिटी बैंक के बुक में वॉस्ट्रो अकाउंट है। वॉस्ट्रो में क्या होता है, योर अकाउंट विद अस। जैसे अमेरिकन एक्सप्रेस न्यूयॉर्क ने रूपी अकाउंट मेंटेन रखा है एसबीआई के साथ, तो एसबीआई के बुक में वो कैसा अकाउंट होगा, वॉस्ट्रो अकाउंट होगा। और नॉस्ट्रो अकाउंट किसके बुक में होगा, अमेरिकन एक्सप्रेस के बुक में होगा। इसके अलावा एक मिरर अकाउंट भी होता है, समझिए बात को, जब कोई बैंक नॉस्ट्रो अकाउंट फॉरेन बैंक के साथ मेंटेन करता है तो उसका अकाउंट उसको अपने बुक में रखना पड़ता है, तो ये एक तरह सा रिफ्लेक्शन होता है नॉस्ट्रो अकाउंट का, समझ रहे हैं बात को। चलिए तो इसका इंट्रीज जो होता है वो दो करेंसी में मेंटेन होता है, एक फॉरेन करेंसी में और एक होम करेंसी में, इसीलिए इसका नाम पड़ा है मिरर अकाउंट। जहां तक ऊपर वाली क्वेश्चन की बात थी, तो ग्रेट इंडियन बैंक ने अकाउंट मेंटेन रखा है ओल्ड स्ट्रीट बैंक इन यूके, तो ओल्ड स्ट्रीट बैंक उसको क्या कहेगा, वो ऑब्वियसली वॉस्ट्रो अकाउंट कहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। यदि एक बैंक है ए यूएसए में, उसका अकाउंट बैंक बी इंडिया के साथ है और बैंक सी यूके में है, तो उसे लोडो अकाउंट कहेगा। ऑप्शन क्या है, ट्रू या फॉल्स है, तो दोस्तों करेक्ट है ऑप्शन, ठीक है। बैंक सी जो है बैंक ए का जो अकाउंट बी के साथ है उसे लोडो अकाउंट ही कहेगा, क्योंकि लोडो का मतलब ही होता है हिज अकाउंट विद देम। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। पहला है आरटीजीएस सिस्टम अलाउ इंस्टेंटेनियस ट्रांसफर विदाउट नेटिंग, यानी आरटीजीएस सिस्टम के थ्रू आप इंस्टेंटेनियस ट्रांसफर कर सकते हैं। नेट सिस्टम अलाउ इंटेंटेनियस ट्रांसफर विदाउट नेटिंग, सी नेट सिस्टम अलाउ इंटेंटेनियस ट्रांसफर विद नेटिंग, और डी आरटीजीएस सिस्टम अलाउ इंटेंटेनियस ट्रांसफर विद नेटिंग। तो दोस्तों आरटीजीएस सिस्टम जो है वो इंस्टेंटेनियस ट्रांसफर देता है विदाउट नेटिंग का। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा, राहुल इज अ PIO पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, ही अप्रोचेज द बैंक ऑफ इंडिया मुंबई टू ओपन एन FCNR अकाउंट, वी कैन नॉट ओपन द अकाउंट इफ। देखिए राहुल एक PIO है, वो बैंक ऑफ इंडिया मुंबई में गया और उसने बोला कि मुझे एक FCNR अकाउंट खुलवाना है, वो अकाउंट नहीं खुलवा सकता है कब। ऑप्शन ए, वो जो है जेनिथ इंडस्ट्रीज का परमानेंट एम्प्लॉय हो अपने हांगकांग के ऑफिस में। ऑप्शन बी, वो जेनिथ इंडस्ट्रीज का परमानेंट एम्प्लॉय हो मुंबई के ऑफिस में। ऑप्शन सी, वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका
के लिए गया हूँ हायर स्टडीज़ के लिए पास्ट 2 ईयर्स के लिए। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्यों सा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अभी मैं आके अब आपको बताता हूँ। दोस्तों एक सिंपल सा एग्जांपल से लेके मैं आप लोगों को इसका कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ, जिन लोगों को क्लियर है वो तो आगे बढ़ जाए, और जिनको यदि समझना है कि NRI PIO वालों केस को कैसे डील करना है तो मैं आपके लिए एग्जांपल लेकर आया हूँ। मैंने बोला था कि इस MCQ सेशन के थ्रू हम लोग थ्योरी को भी कवर करेंगे। देखिए आपके सामने ये 5 चेहरा दिख रहा होगा, कुल मिलाकर महेश, मीता, मल्लिका, रोहित और ग्लोबल एक्सपोर्ट के बारे में। देखिए महेश क्या है, महेश एक इंडियन सिटीजन है जो कि गोन आउट ऑफ इंडिया, जो कि बाहर से भारत से बाहर गया है। किस लिए? न्यूयॉर्क में परमानेंट एम्प्लॉय हो गया है वो। तो दोस्तों उसे वो कहलाएगा NRI, समझ रहे हैं बात को? वो भारत से बाहर गया है और वो वहाँ का परमानेंट एम्प्लॉय हो गया, तो वो क्या कहलाएगा? NRI कहलाएगा। मीता भारत की एक सिटीजन है जो कि सिडनी गई है अपने अपने भाई से मिलने के लिए और वो 10 दिन में लौट जाएगी, तो वो अभी भी भारत की रेजिडेंट है। फिर मल्लिका, वो भी एक PIO है। मल्लिका क्या है दोस्तों? मल्लिका बेसिकली PIO है और वो मुंबई में अराइव की है ताकि वो कंपनी में काम कर सके। किस रूप में? तो फ्रंट लाइन मैनेजर के रूप में। तो दोस्तों इस केस में वो जो है भारत की रेसिडेंट है, समझ रहे बात को? चलिए उसके बाद रोहित के बारे में क्या कहा गया है कि वो एक इंडियन सिटीजन है, वो स्पेन में रह रहा है और वो अपने रिलेटिव को विजिट कर रहा है न्यू दिल्ली में 2 महीना के लिए, तो वो कहलाएगा नॉन रेजिडेंट इंडियन। और ग्लोबल एक्सपोर्ट के बारे में क्या कहा गया है? दोस्तों सभी पे केस स्टडी पूछा जा सकता है, तो आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए और ये बेस्ट तरीका है चीज़ों को समझने का। ग्लोबल एक्सपोर्ट के बारे में क्या कहा है कि उसका 60% ऑनरशिप राहुल के साथ है, एंड राहुल के बारे में मैंने बताया ही है, राहुल एक NRI है जो कि यूनाइटेड स्टेट में रह रहा है, ठीक है। तो उसका जो कंपनी है उसको ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉर्ड यानी OCB कहते हैं, और OCB का जो फैसिलिटी होता है वो जो इंडिविजुअल NRI का होता है वही होता है। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे FCNR अकाउंट के बारे में। तो FCNR अकाउंट के बारे में एक पॉइंट याद रखिएगा, जैसा कि नाम में लिखा हुआ है फॉरेन करेंसी नेशनल रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट, तो नॉन रेजिडेंट है जो भारत के रेजिडेंट रहेंगे उनके लिए अकाउंट होगा क्या? नाम में लिखा हुआ है नॉन रेजिडेंट, तो कन्फ्यूज होने वाली बात ही नहीं है। देखिए जैसे RFC अकाउंट है तो नाम में लिखा हुआ है रेजिडेंट फॉरेन करेंसी, तो उतना रटने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा दिमाग को लगाइए। RFC के नाम में लिखा हुआ है, नाम में लिखा हुआ है फॉरेन करेंसी, तो रेजिडेंट यानी RFC रेजिडेंट फॉरेन करेंसी, तो वो होगा। चलिए उम्मीद है दोस्तों समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते 9th नंबर क्वेश्चन है, स्विफ्ट का मतलब क्या है? ये तो पता ही होगा आपको, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। 10th नंबर क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल बैंक दिल्ली हैज़ करंट अकाउंट विद बैंक ऑफ न्यूयॉर्क। देखिए ग्लोबल बैंक है दिल्ली में, उसका एक करंट अकाउंट है न्यूयॉर्क के बैंक के साथ, और ग्लोबल बैंक जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं जो कि करंट अकाउंट के थ्रू कैरी आउट करते हैं वो अपने बुक दिल्ली में रिकॉर्ड करते हैं। तो ग्लोबल बैंक इंट्रीज किस में करेगा? नॉस्ट्रो अकाउंट में करेगा, नॉस्ट्रो मिरर अकाउंट में करेगा, वॉस्ट्रो अकाउंट में करेगा और लोडो अकाउंट में करेगा। तो दोस्तों करेक्ट आंसर इसका नॉस्ट्रो मिरर अकाउंट, अभी मैंने समझाया था दोस्तों, नॉस्ट्रो मिरर अकाउंट इसका करेक्ट आंसर है। आपको यदि दोबारा समझना है तो पीछे चले जाइए, मैंने आपका आप लोगों को मिरर अकाउंट के बारे में समझाया है, सेम क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 है, चिप्स इज अ रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम इन द UK फॉर सेटलिंग ट्रांजेक्शन डिनोमिनेशन इन GBP, ट्रू और फॉल्स? तो चिप्स, देखिए दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका ये ऑप्शन बी, फॉल्स। RTGS जो है एक रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम है UK में, जिसके थ्रू हम लोग GBP में GBP के डिनोमिनेशन में ट्रांजेक्शन को सेटल करते हैं। तो ये जो कह रहा है चिप्स वो गलत है। देखिए आपके सामने मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो कलेक्ट किए हैं। चैप्स याद रखिएगा, चैप्स जो है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है, RTGS सिस्टम है पूरे वर्ल्ड का, ये लंदन में बेस्ड है और चिप्स के ही प्रिंसिपल पे काम करता है, समझ रहे हैं दोस्तों। फिर टारगेट देखिए, टारगेट क्या है? ट्रांस यूरोपियन ऑटोमेटेड रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट एक्सप्रेस ट्रांसफर सिस्टम, ये भी RTGS सिस्टम है, ये यूरो जोन में काम करता है। चलिए उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं, जैसॉन फर्नांडेज इज अ कैनेडियन सिटीजन। जैसॉन फर्नांडेज जो है वो कैनेडियन के निवासी हैं और उन्होंने रिजेंट कंस्ट्रक्शन मुंबई को ज्वाइन किया है जनरल मैनेजर के रूप में, और वो भारत के रेजिडेंट हैं, समझ रहे बात को? तो बताइए ये ट्रू है या फॉल्स है, ही इज रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ये भारत के नागरिक हैं, ये सही है गलत है, बताइए। अभी मैंने कंसेप्ट बताया दोस्तों, तो दोस्तों ये ट्रू है। यहाँ पे देखिए ये एग्जांपल देखिए आप, ठीक है, यहाँ पे आप महेश के बारे में नहीं, आप मीता के बारे में नहीं, आप मल्लिका, हाँ यहाँ देखिए मल्लिका के बारे में क्या लिखा हुआ है, वो PIO थी, वो मुंबई में अराइव की ताकि वो कंपनी में काम कर सके, तो वो आप क्या कहलाएगी? भारत के रेजिडेंट कहलाएगी, समझ रहे हैं बात को? तो करेक्ट आंसर है सी, ही इज रेजिडेंट ऑफ इंडिया। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर रिस्क टू पार्टी इन LC ट्रांजेक्शन। किसी भी LC ट्रांजेक्शन में इनमें से कौन सा मेजर रिस्क नहीं है जो भी पार्टीज होते हैं उन्हें? इक्विटी मार्केट रिस्क, बी है लीगल रिस्क, सी है शिपमेंट रिस्क और डी है फ्रॉड रिस्क। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है इक्विटी मार्केट रिस्क। देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी रिस्क हैं, मेन रिस्क है उसको मैंने कवर किया है। पहला है सवरेन एंड रेगुलेटरी रिस्क,
तो दोस्तों ये रिस्क वैसे होते हैं जो कि पार्टीज के कंट्रोल में नहीं होते हैं। दूसरा है लीगल रिस्क। तो जब जो है डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट में कोई डिस्टर्बेंस आ जाए लीगल एक्शन के कारण, तो लीगल रिस्क आता है। उसके बाद दोस्तों फोर्स मेजर इन फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आता है। उसके बाद दोस्तों इशूइंग बैंक में देखिए ये सब रिस्क आता है, इसे अगर देख लीजिएगा। एप्लीकेंट को ये सब रिस्क आता है, देख लीजिएगा। एडवाइजिंग बैंक को ये रिस्क आता है, नॉमिनेटेड बैंक को ये रिस्क आता है। दोस्तों यदि इस पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है आपको, यानी कि और भी जो पीडीएफ है वो मैं प्रोवाइड करता हूँ, आप मुझे नीचे व्हाट्सएप का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उस पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। यूसीपीडीसी यूनिफॉर्म कस्टम एंड प्रैक्टिस फॉर एनएलसी आर डेवलप बाय द, तो यूसीपीडीसी कौन डेवलप करता है? आरबीआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स? बताइए यूसीपीडीसी कौन डेवलप करता है? तो दोस्तों करेक्ट आंसर है इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो यूसीपीडीसी डेवलप करता है इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी आईसीसी। 15 नंबर क्वेश्चन है, फैक्टरिंग इज डिफाइंड एज एन एग्रीमेंट बिटवीन, तो फैक्टरिंग बेसिकली किसके किसके बीच का एग्रीमेंट होता है? ऑप्शन ए एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर, ऑप्शन बी इंपोर्टर एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ऑप्शन सी एक्सपोर्टर एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ऑप्शन डी इंपोर्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड एक्सपोर्टर। तो दोस्तों करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी यानी एक्सपोर्टर एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। देखिए दोस्तों फैक्टरिंग के बारे में मैंने लिखा है, फैक्टरिंग बेसिकली एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग अकाउंट रिसीवेबल को परचेस करते हैं या इनवॉइस को परचेस करते हैं। कहाँ से? तो किसी बिजनेस से। किस रेट पे? तो डिस्काउंट पे, ठीक है। और ये कौन करता है ये काम? फैक्टर करती है। ये फैक्टर एक तरह की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है। तो दोस्तों यदि एक्सपोर्टर के लिए फैक्टर है तो उसे एक्सपोर्ट फैक्टर कहते हैं, और यदि इंपोर्टर के लिए फैक्टर है तो इंपोर्ट फैक्टर कहते हैं। क्वेश्चन में यही तो पूछा गया था किसके किसके बीच का एग्रीमेंट होता है। तो दोस्तों एक्सपोर्टर होगा और एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा, दो के बीच में एग्रीमेंट होता है, ठीक है। उसको पैसा की जरूरत होती है तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसे पैसा प्रोवाइड करती है उधार में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए क्या क्या सर्विस करती है वो देख सकते हैं आप, डेब्ट एडमिनिस्ट्रेशन, क्रेडिट प्रोटेक्शन और फैक्टर फाइनेंसिंग। अब देखिए दोस्तों फैक्टर वुड जनरली फाइनेंस डैश परसेंटेज ऑफ इनवॉइस वैल्यू, यानी टोटल इनवॉइस वैल्यू का कितना परसेंटेज फैक्टर फाइनेंस करेगी? ऑप्शन ए 75 से 80%, ऑप्शन बी है 20 से 25%, ऑप्शन सी है 10 से 30%, ऑप्शन डी है 50 से 90%। तो दोस्तों ऊपर लिखा हुआ है साफ साफ कि फैक्टर फाइनेंसिंग जो होता है वो 70 से 80% होता है आउटस्टैंडिंग डेब्ट का। समझ रहे बात को? तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ए ऑप्शन। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। फॉरफेटिंग वुड हेल्प रेज मोर फाइनेंस देन फैक्टरिंग फॉर द सेम इनवॉइस वैल्यू। दोस्तों फैक्टरिंग और फॉरफेटिंग ये दोनों तरीका है उधार में पैसे लेने का, और इसमें क्वेश्चन में ये कहा गया है कि फॉरफेटिंग में ज़्यादा फाइनेंस मिलेगा कंपेयर टू फैक्टरिंग, कर सही है या गलत है? तो दोस्तों ये सही स्टेटमेंट है। देखिए फैक्टरिंग और फॉरफेटिंग दोनों फॉर्म है पोस्ट शिपमेंट फाइनेंसिंग का, जो कि एक्सपोर्टर को हेल्प करता है जो डिले है रिपेट्रिएशन ऑफ एक्सपोर्ट सेल का पेमेंट का उसको ओवरकम करने के लिए। इसके कारण लिक्विडिटी बढ़ाता है दोस्तों और कैश फ्लो बढ़ाता है एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए। फॉरफेटिंग इन पार्टिकुलर डू नॉट कर्टेल अदर बोरोइंग सिंस इट इज विदाउट रिकॉर्ड। ध्यान दीजिएगा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फॉरफेटिंग जो है वो विदाउट रिकॉर्ड्स होता है सेलर के लिए और वो डेब्ट को नहीं बढ़ाता है, इसीलिए ये एडिशनल होता है रेदर देन अल्टरनेट फाइनेंसिंग मेथड, ठीक है। तो इस केस में फॉरफेटिंग में ज्यादा फाइनेंस होता है कंपेयर टू फैक्टरिंग। दोस्तों विदाउट रिकॉर्ड्स का मतलब तो आप लोगों को क्लियर ही होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस ऑपरेशन फॉर एक्सपोर्टर? तो दोस्तों देखिए पोस्ट शिपमेंट फाइनेंसिंग ऑप्शन है हमारे लिए कुछ एक्सपोर्टर के लिए, इनमें से कौन सा उसके अंदर नहीं है? ए है एडवांस अगेंस्ट बिल सेट ऑन सेंट ऑन कलेक्शन, यानी देखिए दोस्तों जिस बिल को आप कलेक्शन के लिए भेजे हैं उसके अगेंस्ट एडवांस, बी है आपका पैकिंग क्रेडिट, सी है आपका एक्सपोर्ट यूजांस बिल का परचेज, और डी है एडवांस अगेंस्ट अनड्रॉ बैलेंस। तो इनमें से कौन सा नहीं है? ध्यान दीजिएगा नहीं पूछा गया है, पोस्ट शिपमेंट फाइनेंसिंग में नहीं आता है दोस्तों। तो करेक्ट आंसर है परचेज ऑफ एक्सपोर्ट यूजांस बिल। देखिए दोस्तों मैंने आपके लिए एक चार्ट लाया है जिसमें मैंने जितने तरह के पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के फाइनेंस होते हैं, वो मैंने कलेक्ट किया है। देखिए पहला है हमारा एक्सपोर्ट बिल परचेज डिस्काउंटेड, दूसरा है हमारा एक्सपोर्ट बिल नेगोशिएटेड, तीसरा है एडवांस अगेंस्ट एक्सपोर्ट बिल सेंट ऑन कलेक्शन बेसिस, चौथा है एडवांस अगेंस्ट एक्सपोर्ट बिल एक्सपोर्ट ऑन कंसाइनमेंट बेसिस, पांचवा है एडवांस अगेंस्ट क्लेम ऑन ड्यूटी ड्यू बैक, छठा है एडवांस अगेंस्ट अनड्रॉ बैलेंस, और दोस्तों उसके बाद आप देख सकते हैं ये सब है। तो फ्रेंड्स ये पार्टिकुलर पीडीएफ में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप क्वेश्चन तो कवर कर ही रहे हैं, साथ साथ रिवाइज भी कर रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, और मैक्सिमम चांस है पूरा का पूरा कवरेज है मेरा हर एक टॉपिक का, मैक्सिमम चांस है क्वेश्चन इसी में से आने का, इसीलिए मैंने नाम भी रखा है मोस्ट सस्पेक्टेड क्वेश्चंस। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि अ रिस्क इज ऑप्शन ए रिलेटेड टू इलनेस विच डो नॉट अफेक्ट ह्यूमन लाइफ, बी रिलेटेड टू इवेंट विच डो नॉट अफेक्ट द प्रॉफिट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, सी रिलेटेड टू अनप्लान्ड इवेंट विद फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज रिजल्टिंग इन लॉस, डी अ सर्टेन इवेंट वेयर द आउटकम इज अननोन। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी। 20 नंबर क्वेश्चन है ऑपरेशनल रिस्क नहीं होगा कब, जब ऑप्शन ए कह रहा है कि पोर्ट पे स्ट्राइक हो, दूसरा कह रहा है कि गुड्स को लोड नहीं किया गया हो और जिस डिजायर शिप है और वो रेन के कारण मतलब बारिश हो रही है जिसके कारण गुड को लोड नहीं किया गया हो,
सी सप्लाई जो जो सप्लायर है वो सप्लाई करने में लेट कर रहा हो, डी जो बायर है वो पेमेंट करने में लेट कर रहा हो, किस केस में नहीं होगा ये पूछा गया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नहीं है ये पूछा गया है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी, ठीक है। हाँ, यदि यदि बारिश के कारण आप सामान को लोड नहीं कर पा रहे हैं तो ये ऑपरेशनल रिस्क है आपका, समझ रहे हैं। वो ऑपरेशनल रिस्क नहीं होगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, ऑपरेशनल रिस्क कब होता है, जो ऑपरेशनल इशू के कारण होता है, या तो बायर एंड के बायर के एंड पे हो, बायर के छोर पे हो, या सेलर के छोर पे हो। अब देखिए कुछ इशू मैंने दिखाया है, जैसे मान लीजिए कि सेलर फैक्ट्री के ट्रांस पे स्ट्राइक आ जाए, ठीक है, उस कारण हो सकता है टेक्नोलॉजी फेलियर हो जाए। तो ये सब कुछ हमारे करेक्ट आंसर ऑप्शन हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन कहा गया है, इनमें से कौन सा गारंटी जो है पोस्ट शिपमेंट एडवांस अगेंस्ट एक्सपोर्ट इंसेंटिव एंड रिसीवेबल इन फॉर्म ऑफ कैश असिस्टेंट को कवर नहीं करता है, ठीक है। ऑप्शन ए पैकिंग क्रेडिट इंश्योरेंस, ऑप्शन बी एक्सपोर्ट प्रोडक्शन फाइनेंशियल गारंटीज, ऑप्शन सी एक्सपोर्ट फाइनेंशियल गारंटी, ऑप्शन डी एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस इंडेमनिटी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी एक्सपोर्ट फाइनेंशियल गारंटी। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपके लिए एक चार्ट लाया है जिसमें मैंने आपको समझाया, देखिए एक्सपोर्ट फाइनेंशियल गारंटी में क्या होता है, ये एक तरह का ओवरसीज लैंडिंग गारंटी है। जब बैंक इनकेस इन इवेंट ऑफ अ बैंक फाइनेंसिंग ओवरसीज प्रोडक्ट प्रोवाइडिंग अ फॉरन करेंसी लोन टू द कॉन्ट्रैक्टर, द क्रेडिट रिस्क ड्यू टू नॉन पेमेंट बाय द कॉन्ट्रैक्टर कैन बी अवर्टेड बाय द ऑब्टेनमेंट ऑफ दिस गारंटी बाय द ECGC, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए इसको डाटाज दी गई है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क इज नॉट कवर्ड बाय स्टैंडर्ड पॉलिसी, यानी स्टैंडर्ड पॉलिसी इनमें से कौन सा रिस्क कवर नहीं करती है, ए एक्सचेंज रिस्क, बी कंट्री रिस्क, सी क्रेडिट रिस्क, और डी पॉलिटिकल रिस्क। तो दोस्तों स्टैंडर्ड पॉलिसी का करेक्ट आंसर एक्सचेंज रिस्क को कवर नहीं करती है। तो ECGC का जो स्टैंडर्ड पॉलिसी है वो समझिए, ECGC वेबसाइट ने कुछ स्टैंडर्ड पॉलिसी दी है वो रिस्क शिपमेंट के लिए, और ये पॉलिसी जो है कमर्शियल और पॉलिटिकल रिस्क को कवर करती है। ध्यान दीजिएगा एक्सचेंज रिस्क को कवर ये नहीं करती है, ठीक है। देखिए पॉलिटिकल रिस्क का वेराइज होगा जब मान लीजिए कि शॉर्ट टर्म क्रेडिट पे आप गुड को एक्सपोर्ट किए, ठीक है, तो इस ऐसे ऐसे ये हमारे स्टैंडर्ड पॉलिसी के अंदर आता है, लेकिन ये जो एक्सचेंज रिस्क है वो कवर नहीं होता है दोस्तों। चलिए उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ECB एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, देख सकते हैं हमारा डिफरेंट वैराइटीज का क्वेश्चन है। ECB कैन बी अवेल्ड अगेंस्ट ऑटोमेटिक रूट और अप्रूवल रूट, तो ECB को हम लोग ऑटोमेटिक रूट पे भी अवेल कर सकते हैं और अप्रूवल रूट पे भी अवेल कर सकते हैं, कौन सा सही है, ट्रू है या फॉल्स है। तो दोस्तों ट्रू है, ये जो ECB होता है हमारा एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, RBI ने क्या किया है, जो फॉरन इंस्टीट्यूशन से जो बोरोइंग आ रहा है जैसे बैंक हुआ या ऑर्गेनाइजेशन हुआ जैसे IMF से आ रहा है, तो उसे RBI ने कह दिया एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, यानी विदेश से जो निवेश पैसा आ रही है उसको RBI कहती है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। और ECB दो फॉर्म में हो सकता है, फिक्स्ड और फ्लोटिंग बॉन्ड के फॉर्म में हो सकता है या लोन एडवांस ट्रेड क्रेडिट के फॉर्म में हो सकता है। यूरो इशू इंक्लूड यूरो कन्वर्टेबल बॉन्ड एंड ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, द यूटिलाइजेशन ऑफ ECB प्रोसीड इज परमिटेड इन द गवर्नमेंट डिसिप्लिन प्रोग्राम। और ECB जो है दो या तो ऑटोमेटिक रूट होगा या अप्रूवल रूट होगा, समझ रहे हैं बात को। 24वां नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, एज पर फिडाई रूल बैंक कैन अंडरटेक बिजनेस ओनली थ्रू एक्सचेंज ब्रोकर हु इज, तो बैंक जो है बिजनेस उसी एक्सचेंज ब्रोकर से कर सकती है जो कि रिनाउंड है, स्पॉन्सर्ड है, एक्रेडिटेड है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी एक्रेडिटेड। दोस्तों 25वां नंबर क्वेश्चन है, अ GDR होल्डर हैज द ऑप्शन टू कन्वर्ट GDR एंड होल्ड द अंडरलाइंग इक्विटी शेयर, किसी GDR होल्डर के पास एक ऑप्शन होता है कि वो GDR को कन्वर्ट कर दे और जो अंडरलाइंग इक्विटी एसेट है उसे होल्ड कर ले, ट्रू या फॉल्स। तो दोस्तों करेक्ट आंसर इसका ट्रू, ठीक है। चलिए 26वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, देखिए GDR के बारे में पॉइंट लिखा हुआ है। GDR बेसिकली एक बैंक सर्टिफिकेट होता है जो कि फॉरेन ब्रांच किसी भी इंटरनेशनल बैंक की फॉरेन ब्रांच होल्ड करती है, ठीक है, एंड इज इशूड इन मोर देन वन कंट्री फॉर शेयर इन फॉरेन कंपनी। अब देखिए GDR कुछ वोटिंग राइट नहीं कैरी करता है, जैसे आपका बेनिफिट्स यहाँ आप देख सकते हैं, बेनिफिट्स ऑफ GDR और कुछ फीचर्स भी हैं उसे भी आप देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा कनेक्ट क्वेश्चन है 26वां नंबर, जीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है, ए नो वेरिएशन इन कैश फ्लो फॉर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट से जो कैश फ्लो आ रही है उसमें कोई वेरिएशन नहीं होना, बी नो इन्वेस्टमेंट कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होना, सी जीरो कूपन बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट होना, और डी बैंक फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट होना। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखिए लो रिस्क का मतलब ये हुआ कि आपका जो नेट कैश फ्लो है उसमें कम वेरिएशन होगा, वही तो हमारा लिखा हुआ, ठीक है, और उसका डाउनसाइड पोटेंशियल भी क्या होगा, कम होगा। और यदि मैं जीरो रिस्क का बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप कंप्लीटली प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं कि फ्यूचर कैश फ्लो हमारा कैसा होने वाला है, समझ रहे हैं बात को। हाँ, तो जीरो रिस्क मतलब कि आप इस बात का प्रेडिक्शन कर पा रहे हैं कि हमारा जो फ्यूचर कैश फ्लो होगा वो किस प्रकार का होगा। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 27वां नंबर क्वेश्चन है, हायर द रिस्क ए लोअर द रिस्क प्रीमियम, बी हायर द कैपिटल रिक्वायर्ड, सी लोअर द RARoC, डी ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों रिस्क ज़्यादा होगा तो क्या होगा बताइए,
ऑप्शन सी करेक्ट है, लोअर द आरओसी। दोस्तों देखिए समझिए, रिस्क के साथ देखिए हायर रिस्क का मतलब क्या हुआ, हायर रिस्क का मतलब ये हुआ कि हायर रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम कैपिटल, यानी मिनिमम कैपिटल की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी और आप ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे इन्वेस्टर के द्वारा। समझ रहे हैं बात को, रिस्क ज़्यादा तो मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा तो रिस्क एक्सपेक्टेड बाय इन्वेस्टर ज़्यादा। और मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होती है, वो ये एक इट रिक्वायर्स बिजनेस शुड बी एबल टू कवर द मैक्सिमम लॉस। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल के तौर पर देखिए, एक मान लीजिए आपके पास एक लोन है, ठीक है, उस लोन पे हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट आप चार्ज कर रहे हैं विदाउट, देखिए एक ऐसा लोन है जिसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई कोलेट्रल नहीं है, किसे क्लीन लोन कहते हैं, कोई सिक्योरिटी नहीं लिया गया, तो उस पर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ज़्यादा चार्ज करते हैं ना। क्यों ज़्यादा चार्ज करते हैं, क्योंकि उसका रिस्क ज़्यादा है। लेकिन उसके अपोजिट एक ऐसा लोन जिसके अगेंस्ट आप कस्टमर का फिक्स डिपोजिट के अगेंस्ट आप लोन दिए हैं, तो दोस्तों उस पर लो रिस्क है। समझ रहे हैं, तो उस केस में जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होती है। समझ रहे हैं बात को, तो इसीलिए बैंक को ये जरूरी है कि वो हाई कैपिटल को हाई कैपिटल रखे, किसके लिए, क्लीन लोन के लिए, और जो लोन अगेंस्ट फिक्स डिपॉजिट है उसके लिए लो कैपिटल रखे। तो दोस्तों उम्मीद है इस एग्जांपल से आपको कंसेप्ट क्लियर हो गई होगी। वही तो पूछा गया था कि रिस्क ज़्यादा होगा तो दोस्तों आरएआरओसी हमारा कम होगा, रिस्क आरएआरओसी का फॉर्मूला क्या होता है, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 ठीक है 28 में है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट इट, इनमें से कौन सा रिस्क मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ए मेजरिंग रिस्क, बी आइडेंटिफाइंग रिस्क, सिस्टमेटिंग कॉस्ट ऑफ रिस्क, डी कंट्रोलिंग रिस्क। दोस्तों इसमें एक और, तो इसमें करेक्ट आंसर है कंट्रोलिंग रिस्क। दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट में देखिए चार स्टेप्स हैं, पहला है आइडेंटिफाई और मेजर करना रिस्क को, उसके बाद क्या है कॉस्ट को, जो कॉस्ट ऑफ कंट्रोलिंग दैम उसको एस्टिमेट करना, उसके बाद क्या है मिटिगेट करना और कंट्रोल करना रिस्क को, और फाइनल क्या है रिस्क मैनेजमेंट को रिवाइज करना बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। तो करेक्ट आंसर इसका कंट्रोलिंग रिस्क। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लोन का प्राइसिंग में क्या क्या आएगा, ए कॉस्ट ऑफ फंड में आएगा, बी ऑपरेशनल रिस्क आएगा, सी टर्म ऑफ लोन आएगा, और दोस्तों डी में आएगा रिस्क प्रोफाइल ऑफ द बोरोवर, यानी आखिर लोन का प्राइसिंग किस बेसिस पे किया जाएगा, फंड के कॉस्ट के बेसिस पे, या ऑपरेशनल रिस्क के बेसिस पे, या लोन के टर्म के बेसिस पे, या जो बोरोवर का रिस्क प्रोफाइल है उसके बेसिस पे। तो करेक्ट आंसर इसका ये मोर देन वन करेक्ट है, ए सी एंड डी, ऑपरेशनल रिस्क नहीं आएगा। देखिए दोस्तों मैं इसका थ्योरी आपको बताता हूँ, जो हमारा रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है रिस्क प्राइसिंग, तो बेसिकली रिस्क को समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए उसका क्या क्या कंपोनेंट्स है, पहला है कॉस्ट ऑफ फंड, कॉस्ट ऑफ फंड बेसिकली इंटरेस्ट होता है दोस्तों, ठीक है, उसके बाद कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, उसके बाद दोस्तों लॉस प्रोबेबिलिटी, उसके बाद दोस्तों है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ये चार के चार हमारे रिस्क प्राइसिंग के कंपोनेंट है दोस्तों, यही सब तो पूछा गया था, इनमें से कौन सा नहीं है, कॉस्ट ऑफ फंड आता है, टर्म ऑफ लोन आता है, रिस्क प्रोफाइल ऑफ द बोरोवर आता है, लेकिन ऑपरेशनल रिस्क हमारा नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिस्क मिटिगेशन कैन नॉट अचीव, ए रिडक्शन इन डाउनसाइड पोटेंशियल, बी रिडक्शन इन रिक्वायर्ड कैपिटल, सी ह्यूज अपसाइड पोटेंशियल। तो रिस्क मिटिगेशन किसे अचीव नहीं करता है, किसे नहीं करता है ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा हुआ है। तो डाउनसाइड को कम करता है, रिक्वायर्ड कैपिटल को कम करता है, और ह्यूज अपसाइड पोटेंशियल को बढ़ाता है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, अपसाइड पोटेंशियल को बढ़ाना, ये करेक्ट आंसर है। देखिए यहाँ पे मैंने समझाया है रिस्क मिटिगेशन का कुछ स्ट्रेटजीज हैं, ठीक है, जैसे वो क्या करता है, वो जो अनसर्टेनिटीज होता है उसको, जो भी हमारे अनसर्टेनिटीज एसोसिएटेड होते हैं उसे वो इलिमिनेट करने का प्रयास करता है दोस्तों। तो वो क्या अचीव नहीं कर सकता दोस्तों, डाउनसाइड पोटेंशियल को तो घटा सकता है ना, कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्यों घटा सकता है, ठीक है, यदि आप रिस्क को मिटिगेट करेंगे तो कम कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी आपको, लेकिन यहाँ कर अपसाइड पोटेंशियल को बढ़ाता है, ये गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइनेंशियल रिस्क इज डिफाइंड एज, फाइनेंशियल रिस्क को आप कैसे डिफाइन कीजिएगा, पहला ऑप्शन है जो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी में जो एडवर्स वेरिएशन है उसके रिलेटेड जो अनसर्टेनिटी है उससे, जो कैश फ्लो में अनसर्टेनिटी है उससे, जो अनसर्टेनिटीज दैट आर रिजल्ट इन आउटराइट लॉस, और डी है वेरिएशन इन नेट कैश फ्लो। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों नेट कैश फ्लो का वेरिएशन, अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया है दोस्तों रिस्क के बारे में, आप लोगों ने देखा होगा। चलिए ये हमारा 31 नंबर क्वेश्चन है, 32 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, यदि बैंक अपना एसेट कंपोजिट लायबिलिटी से पूल कर रही है तो क्रेडिट और ऑपरेशनल रिस्क के अलावा इनमें से कौन सा रिस्क बैंक फेस करेगी। समझिए बात को, लायबिलिटीज के थ्रू अपने एसेट को ये फंड कर रही है, तो बेसिस रिस्क, मिसमैच रिस्क, मार्केट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क। दोस्तों करेक्ट आंसर है बेसिस रिस्क। देखिए बेसिस रिस्क क्या होता है, ये तब होता है जब इंटरेस्ट रेट अलग अलग डिफरेंट इंटरेस्ट रेट मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन और बैंक लेवल कॉजिंग द नेट इंटरेस्ट मार्जिन ऑफ बैंक टू कंप्रेस, ठीक है, ये हमारा बेसिक रिस्क है। तो जब बैंक अपने लायबिलिटी से एसेट को
पूल करे, फंड को पूल करेगी, तो वो हमारा बेसिक रिस्क का पार्ट कहलाएगा। थर्टी नंबर क्वेश्चन है, एक बैंक ने 1 करोड़ का लोन बॉरोअर को सैंक्शन किया, तो इनमें से कौन सा रिस्क बैंक फेस करेगी इस ट्रांजैक्शन में? ए लिक्विडिटी रिस्क, बी इंटरेस्ट रेट रिस्क, सी मार्केट रिस्क, डी क्रेडिट रिस्क, ई ऑपरेशनल रिस्क। दोस्तों देख सकते हैं इस पर्टिकुलर पीडीएफ में सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हैं। यदि आप इसे इतना ही देख के जाते हैं तो आपका रिवीजन भी हो रहा है, चीज़ों को आप समझ भी रहे हैं। तो दोस्तों यदि आपको इस पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे नीचे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में कहा गया है 1 करोड़ का लोन सैंक्शन किया है बॉरोअर को, तो इनमें से कौन सा रिस्क ब्रांच फेस करेगा इस ट्रांजैक्शन में, बताइए। तो दोस्तों सभी के सभी, लिक्विडिटी रिस्क भी होगा, इंटरेस्ट रेट रिस्क भी होगा, मार्केट रिस्क भी होगा। मेरे रिस्क वाले चैप्टर में जाके आप इसे समझ सकते हैं डिटेल में, ये सब रिस्क किस प्रकार के होते हैं, और मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कराए हैं साथ ही साथ। हर एक मेरे जितने भी लेक्चर्स हैं सभी के लास्ट में कुछ एमसीक्यू सेशन आपको मिल जाएंगे, ताकि आप जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं उसको आप प्रॉपरली अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं। इनमें से कौन सा इंटरेस्ट रेट रिस्क प्रीमैच्योर पेमेंट ऑफ टर्म लोन के कारण आता है? तो दोस्तों बेसिक रिस्क है, यील्ड कर्व रिस्क है, एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क है, मिसमैच रिस्क है। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, प्रीमैच्योर पेमेंट जैसे ही आपको दिखे तो एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क पे ही टिक करना है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 35 नंबर क्वेश्चन है, सिस्टमैटिक रिस्क इज अ रिस्क ऑफ ए बैंक का फेलियर विच इज नॉट एडियरिंग टू रेगुलेशन, बी दो बैंक का फेलियर साइमल्टेनियसली यानी एक बैंक जब बैंकक्रप्ट हो जाए तब, सी जब ग्रुप ऑफ बैंक जो है फेल कर जाए कॉन्टेजियन इफेक्ट के कारण, और डी फेलियर ऑफ इंटायर बैंकिंग सिस्टम। तो दोस्तों सिस्टमिक रिस्क जो होता है उसमें हमारा इंटायर बैंकिंग सिस्टम फेल कर जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। डैश मेंबर कंट्रीज ऑफ G10 पार्टिसिपेट इन बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। दोस्तों BCBS यानी बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, इनमें G10 के कितने मेंबर कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था? 10 मेंबर, 13 मेंबर, 11 मेंबर और 12 मेंबर। करेक्ट आंसर है 13 मेंबर कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। 37 नंबर क्वेश्चन है, द बेसल अकॉर्ड हैज अकाउंटेड फॉर ए क्रेडिट रिस्क, बी मार्केट रिस्क, सी ऑपरेशनल रिस्क, डी डिफाइंड कैपिटल कंपोनेंट। तो बेसल टू में कौन कौन सा चीज था बताइए? तो दोस्तों करेक्ट आंसर है ए बी सी एंड डी, सभी के सभी चीज थे। देखिए बेसल रिव्यू में ये था, पहला था मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट में क्या क्या था दोस्तों? ऑपरेशनल रिस्क था, मार्केट रिस्क था और क्रेडिट रिस्क था, ठीक है। उसके बाद सुपरवाइजरी रिव्यू था और उसके बाद था मार्केट डिसिप्लिन। ये तीन कंपोनेंट थे हमारे बेसल के अकाउंट के अंदर, और उसमें तीनों चारों तरह के रिस्क को अकाउंट किया है यहाँ पे। 38 नंबर क्वेश्चन में है कि आप जो इंटरेस्ट रेट का सेंसिटिविटी है उसको कैसे मेजर कीजिएगा? पहला डेल्टा मेथड से, दूसरा मॉडिफाइड ड्यूरेशन मेथड से, तीसरा वॉलेटिलिटी से, या चौथा VAR से। दोस्तों हर एक इंटरेस्ट रेट का जो सेंसिटिविटी है उसका मेजरमेंट का अलग अलग टेक्निक होता है, जिसको मैंने अपने वीडियोस में समझाया है। आप मेरे मार्केट रिस्क वाली वीडियो में जाके उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों जहाँ तक बात आई इंटरेस्ट रेट रिस्क की सेंसिटिविटी की, तो उसको मेजर करते हैं हम लोग मॉडिफाइड ड्यूरेशन से। देखिए एक क्या क्या मेथड है हमारे पास सेंसिटिविटी मेजर करने का। पहला है बेसिक पॉइंट वैल्यू, दूसरा है ड्यूरेशन, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मॉडिफाइड ड्यूरेशन, जो कि इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर है। देखिए मॉडिफाइड ड्यूरेशन को हम लोग प्राइस सेंसिटिविटी टू यील्ड को, ये तो पता ही होगा फॉर्मूला आपको ड्यूरेशन का, और ये फॉर्मूला भी पता होगा। देखिए मॉडिफाइड ड्यूरेशन का फॉर्मूला है मैकलॉड ड्यूरेशन डिवाइडेड बाय 1+y/k। वाई क्या है? यील्ड टू मैच्योरिटी, और के क्या है? कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेस टेस्टिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? ऑप्शन ए कर रहा है क्योंकि अदर मेजर ऑफ रिस्क आर कॉम्प्लिकेटेड टू कैलकुलेट, यानी बाकी जो रिस्क के मेजरमेंट हैं उसको कैलकुलेट करना में कॉम्प्लिकेसी है। दूसरा ऑप्शन कर रहा है VAR को रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग स्ट्रेस टेस्टिंग से। तीसरा ऑप्शन कर रहा है स्ट्रेस टेस्टिंग सिंपल इंप्लीमेंट करना। चौथा ऑप्शन कर रहा है कि स्ट्रेस टेस्टिंग के थ्रू हम लोग ये एनालाइज कर पाते हैं कि हमारा जो इकोनॉमी में एक्सट्रीम मूव्स है उसका क्या एक्सपोजर है। तो ऑब्वियस बात है ऑप्शन डी करेक्ट है, स्ट्रेस टेस्टिंग के बारे में डिटेल में यहाँ देख सकते हैं। दोस्तों VAR एनफ नहीं है जो रिस्क, उस रिस्क को कैप्चर करना जो कि इकोनॉमी में एम्बेडेड है। तो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए रिस्क के बारे में तो हम लोग स्ट्रेस टेस्टिंग का जरूरी है। इसमें क्या करते हैं हम लोग अलग अलग एजम्पशन को स्ट्रेस करते हैं, जैसे इंटरेस्ट रेट का लेवल को, यानी तो एसेट के वैल्यू को, ताकि हमें क्लियर पिक्चर मिल सके कि एक्सट्रीम सिचुएशन में क्या हो सकता है। दोस्तों समझ रहे हैं बात को? एक्सट्रीम, याद रखिएगा की वर्ड है एक्सट्रीम। स्ट्रेस टेस्टिंग का फायदा ये है, एक्सट्रीम सिचुएशन में क्या इफेक्ट होगा उसको हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, विच काइंड ऑफ रिस्क शुड बी एट्रीब्यूटेड टू एन एसेट दैट कैन नॉट बी सोल्ड इन मार्केट। जिस एसेट को आप मार्केट में नहीं बेच सकते हैं उस एसेट के लिए कौन सा रिस्क एट्रीब्यूट जिम्मेवार है? काउंटर पार्टी रिस्क, एसेट लिक्विडेशन रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क और मार्केट रिस्क। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है एसेट लिक्विडेशन रिस्क। 41 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, एक बॉन्ड है जिसका BBB दे रखा है 400, दूसरा बॉन्ड बी है जिसका BBB दे रखा है 300। एक बैंक ने बॉन्ड ए का 1 यूनिट खरीदा और बॉन्ड बी का 2 यूनिट खरीदा, तो उस पर कितना प्रॉफिट एंड लॉस होगा यदि इंटरेस्ट रेट जो है 3 बेसिस पॉइंट से बढ़ जाए? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है।
दोस्तों ए है 3000 का प्रॉफिट, बी है 3000 का लॉस, सी है 1000 रुपये का प्रॉफिट और डी है 1000 रुपये का लॉस। आइए मैं समझाता हूँ दोस्तों, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। देखिए सिंपल सी बात है, बताइए पहले बैंक ए का बात करते हैं। तो बॉन्ड ए का बेसिक वैल्यू पॉइंट वैल्यू कितना है, 400 रुपया है, चलिए। और बैंक ए ने और जो बैंक है उसने ए बॉन्ड का कितना यूनिट खरीदा है, एक यूनिट खरीदा है। तो दोस्तों एक यूनिट का प्राइस कितना है, 400 ही तो है। तो यानी कि हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो क्या हो गया, वो हमारा 1x400 हो गया। और जहाँ तक बात है दूसरे वाले बॉन्ड की, बॉन्ड बी की, उसका बेसिक पॉइंट वैल्यू है 300 रुपया, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो 3 बेसिस पॉइंट। अरे बहुत सिंपल सा बात है, बेसिक पॉइंट वैल्यू होता क्या आप ये बताइए। बेसिक पॉइंट वैल्यू ये होता है कि आपका यदि जो, देखिए ये बेसिकली रेशियो होता है, मैं सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ दोस्तों, इसको दिमाग में बैठा लीजिए। बेसिक पॉइंट वैल्यू बेसिकली रेशियो है, किस चीज़ का रेशियो है, तो नोमिनेटर में आप लिखते हैं चेंज इन प्राइस को और डिनोमिनेटर में लिखते हैं चेंज इन यील्ड को। तो समझिए बात को, यदि आपका यील्ड एक यूनिट चेंज हो रहा है तो उसके कारण आपके प्राइस पे क्या इफेक्ट, आपके मार्केट प्राइस पे क्या इफेक्ट हो रहा है, वही तो है हमारा बेसिक पॉइंट वैल्यू। समझ रहे बात को, बेसिक पॉइंट वैल्यू इज नथिंग बट चेंज इन मार्केट प्राइस बिकॉज ऑफ चेंज इन वन यूनिट ऑफ योर यील्ड। समझ में आ गया दोस्तों, इस केस में यील्ड हमारा कितना चेंज हो रहा है ये तो बताइए। इंटरेस्ट रेट जो है हमारा वही तो है, तो वो 3 बेसिस पॉइंट बढ़ गया है। तो अल्टीमेटली आप क्या कीजिएगा, 1x400 + 2x300 × 3, ठीक है, इसे सॉल्व कीजिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा 3000। और दोस्तों ये हमारा लॉस होगा, चलिए इस केस में हमें क्या होगा, लॉस होगा। आप बेसिक पॉइंट वैल्यू को देख सकते हैं, आप मैंने अच्छे तरीके समझाया है, ये बेसिकली एक बेसिस पॉइंट चेंज मार्केट यील्ड के कारण जो हमारा बॉन्ड के वैल्यू में चेंज आता है उसे बीपीवी कहते हैं। ये सबसे वाइडली यूज मेजर है रिस्क का। यदि बीपीवी ज़्यादा है तो जो बॉन्ड पोर्टफोलियो का रिस्क है वो ज़्यादा है। एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए, मान लीजिए 8% पे जो यील्ड है, एक बॉन्ड का प्राइस है वो है 92, और जब यील्ड 7.95 हो गया या 5 बेसिस पॉइंट चेंज हो गया तो प्राइस चेंज हो गया 92.10। तो बीपीवी कैसे निकालेगा, वो है हमारा 0.02। और बैंक यदि 1 करोड़ वर्थ ऑफ दिस बॉन्ड यानी जिसका फेस वैल्यू 100 है उसे होल्ड करती है तो बैंक को गेन कितना होगा बताइए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2000 रुपये का गेन होगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि 8 साल का 8% सेमी एनुअल बॉन्ड जिसका बीपीवी 500 है और यील्ड जो है वो 5 बेसिस पॉइंट बढ़ गया, तो जो बॉन्ड का प्राइस है वो घट जाएगा 2500 से। दोस्तों इसको ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा गया है, कंसेप्ट लिखा गया है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। 42वां नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रिस्क मिटिगेशन मेथड है, ऑप्शन ए हेजिंग इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शन बी डाइवर्सिफिकेशन, ऑप्शन सी रिप्लेसिंग सेंसिटिविटी रिपोर्ट बाय वीआर रिपोर्ट, डी रिस्क रिपोर्टिंग। इनमें से कौन सा क्यों मेथड है जिसके थ्रू हम लोग रिस्क को मिटिगेट करते हैं यानी कम करते हैं, तो दोस्तों ए एंड बी, हेजिंग इंस्ट्रूमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन। देखिए रिस्क मिटिगेशन के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, जैसे इसका जैसे आप कर सकते हैं हेजिंग इंस्ट्रूमेंट को होल्ड करके या वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो को होल्ड करके, ठीक है। जैसे ऑप्शंस जो है वो हेजिंग इंस्ट्रूमेंट का बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है, जो कि एक राइट है लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं है होल्डर को सेल करने के लिए। और डाइवर्सिफिकेशन के कारण क्या होगा, अलग अलग वोलेटिलिटी हो जाएगा कंपेयर टू वोलेटिलिटी ऑफ एन सिंगल इंस्ट्रूमेंट। समझ रहे, जैसे एग्जांपल के तौर पर ले लीजिए, एक पोर्टफोलियो है जिसमें बॉन्ड जिसका बीपीवी वैल्यू 400 है उसे होल्ड किया गया है। आप बीपीवी को रिड्यूस करेंगे तो क्या करेंगे, आप एक नया बॉन्ड खोल देंगे जिसका ड्यूरेशन जो है 400 से कम है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से सेंसिटिविटी को मैनेज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेडिट रिस्क कंसिस्ट ऑफ, क्रेडिट रिस्क में क्या आता है, डिफॉल्ट रिस्क ओनली, डिफॉल्ट रिस्क एंड स्प्रेड रिस्क, स्प्रेड रिस्क ओनली, इंटरेस्ट रेट रिस्क। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी डिफॉल्ट एंड स्प्रेड रिस्क। देखिए इस चार्ट की, ये चार्ट मैंने आपके लिए लाया है, इसमें जितने तरह के क्रेडिट रिस्क है सब कुछ मैंने इन्वॉल्व किया है। 3 तरह के क्रेडिट रिस्क हैं ब्रॉड लेवल पे, पोर्टफोलियो रिस्क, ट्रांजैक्शन रिस्क और सॉवरेन रिस्क और कंट्री रिस्क। पोर्टफोलियो रिस्क का 2 पार्ट है, कंसंट्रेशन रिस्क और सिस्टमेटिक रिस्क। ट्रांजैक्शन रिस्क का 3 कंपोनेंट है, डिफॉल्ट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, स्प्रेड रिस्क और डाउनग्रेड रिस्क। तो दोस्तों देख सकते हैं जितने रिस्क यहाँ पे लिखे गए हैं उसमें डिफॉल्ट और क्रेडिट रिस्क स्प्रेड ही आते हैं, इंटरेस्ट रेट रिस्क को क्रेडिट रिस्क से कोई मतलब नहीं है। तो फ्रेंड्स यदि इस पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो नीचे आप व्हाट्सएप पे मुझे कंसल्ट कीजिए, तो आप देख सकते हैं इस तरह का मेरे पास काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यू का सेट है, ताकि आप लोग 50-50 क्वेश्चन का सेट है। मैक्सिमम तो मैं आप लोगों को यूट्यूब पे नहीं ला पा रहा हूँ, लेकिन मैंने अपने मेंबर्स को बहुत सारे सेट प्रोवाइड किए हैं उनमें से। चलिए 44वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, कंसंट्रेशन इज इन वन यूनिट इन वन इंडस्ट्री लीड्स टू ए हायर रिटर्न, बी हायर नॉन सिस्टमेटिक रिस्क, सी लोअर रिस्क और डी है लोअर रिटर्न। दोस्तों एक इंडस्ट्री में यदि कंसंट्रेशन होगा उसके कारण पता है, उसके कारण आपका हायर नॉन सिस्टमेटिक रिस्क होगा। तो देखिए होता क्या है, एक पोर्टफोलियो जो है एक्सेसिव कंसंट्रेशन इन ए पार्टिकुलर टाइम इन्वेस्टमेंट से सफर कर सकता है, जिसके कारण क्या हो गया कि पोर्टफोलियो का ओवरऑल एक्सपोजर जो है बढ़ जाएगा एक पार्टिकुलर रिस्क के लिए, और इस तरह के रिस्क को हम लोग कहते हैं कंसंट्रेशन रिस्क। 45वां नंबर क्वेश्चन है, डाइवर्सिफिकेशन का क्या एडवांटेज है, पहला
डाइवर्सिफिकेशन के कारण एक्सपोजर बढ़ जाता है इन्वेस्टमेंट के लिए, जो कि अच्छा है। दूसरा, डाइवर्सिफिकेशन के कारण नॉर्मल रिटर्न मिलता है। तीसरा, डाइवर्सिफिकेशन रिस्क को घटाता है। और चौथा, नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों, डाइवर्सिफिकेशन रिस्क को घटाता है। क्रेडिट स्प्रेड रिस्क इंक्रीजेज व्हेन कंपनी बिकम मोर प्रॉफिटेबल। यानी क्रेडिट स्प्रेड रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है जब कंपनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है। ट्रू या फॉल्स? करेक्ट आंसर है फॉल्स। जब कंपनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा तो फाइनेंशियल हेल्थियर होगा और उस प्रकार से अपनी क्रेडिट स्प्रेड रिस्क को घटाएगा। तो रिस्क बढ़ेगा नहीं, घटेगा। चलिए उसके बाद 747, यहाँ पे देख सकते हैं क्रेडिट रिस्क के बारे में। क्रेडिट लिंक रोड हेल्प टू रिड्यूस क्रेडिट रिस्क। जो CLN होता है वो क्रेडिट रिस्क को घटाता है। ट्रू और फॉल्स? करेक्ट आंसर है ट्रू। जो CLN होता है दोस्तों, वो क्रेडिट रिस्क को घटाता है, क्योंकि वो जो है जो ऑरिजिनेटर का बैलेंस शीट है उससे रिस्क को हटा देता है और उसे रिस्क को ट्रांसफर कर देता है लेटर को। ठीक है, देखिए इसके बारे में यहाँ डिटेल में लिखा गया है, इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए बैंक ने किसी कंपनी को पैसा दिया, XYZ लिमिटेड को, तो जब लोन को इशू किया तो क्रेडिट लिंक लोन को इन्वेस्टर ने बाउट किया, तो इंटरेस्ट रेट ऑन द लोन इज डिटरमाइन बेस्ड ऑन द क्रेडिट रिस्क ऑफ कंपनी XYZ। तो जो जिस कंपनी को लोन मिला है उसका जो क्रेडिट रेटिंग क्या है उसके बेसिस पे इंटरेस्ट रेट को डिसाइड की जाती है। और बैंक जो है फंड को जनरेट करती है CLN को इशू करके। किसे CLN इशू करती है? तो इन्वेस्टर को इशू करती है। यदि कंपनी XYZ सॉल्वेंट हो जाएगा, मान लीजिए दिवालिया हो जाएगा, तो बैंक का ऑब्लिगेशन है कि वो जो है नोट को फुल में पे करेगा। और यदि वो बैंकरप्ट हो जाएगा दोस्तों, तो दोस्तों जो नोट होल्डर इन्वेस्टर है वो जो है कंपनी का क्रेडिटर हो जाएंगे और जो है कंपनी के लोन को रिसीव करेंगे। समझ रहे हैं बात को? चलिए 48 नंबर क्वेश्चन है, ऑपरेशनल रिस्क किस कारण से होता है? इनएडिक्वेट और फेल इंटरनल प्रोसेस, पीपल एंड सिस्टम, एक्सटर्नल इवेंट और डिफॉल्ट। दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका मार्केट प्राइस। तो दोस्तों ABNC, इंटरनल डिफॉल्ट और मार्केट प्राइस फ्लक्चुएशन के कारण ऑपरेशनल रिस्क आपका नहीं होता है। दोस्तों यहाँ पे देखिए किस कारण से होता है, मैंने यहाँ नोट कर दिया है, पीपल रिस्क, प्रोसेस रिस्क, टेक्नोलॉजी रिस्क। 49 नंबर क्वेश्चन है, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग ऑल रिस्क रिलेटेड टू ऑपरेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। ये किसकी जिम्मेवारी है कि ये आइडेंटिफाई करो और असेस करो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन के लिए कौन कौन से रिस्क इन्वॉल्व है? IT डिपार्टमेंट, ऑपरेशन रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, यूजर ऑफ द IT सिस्टम और चीफ रिस्क ऑपरेशन ऑफिसर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी दिया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ऑपरेशन रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, ऑपरेशन रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, सबका फंक्शन यहाँ पे लिखा गया है, एक बार देख लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस सेशन का, इन बेसिक इंडिकेटर अप्रोच द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर ऑपरेशनल इज कैलकुलेटेड बाय। यानी दोस्तों जो हमारा बेसिक इंडिकेटर अप्रोच है उसमें हम लोग ऑपरेशनल रिस्क का मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? ऑप्शन ए, ग्रॉस एनुअल इनकम ऑफ बैंक को यूज करके। ऑप्शन बी, ग्रॉस एनुअल इनकम बिजनेस लाइन को यूज करके। ऑप्शन सी, वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा को मेंटेन करके। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका ग्रॉस इनकम ऑफ बिजनेस लाइन को यूज करके। तो दोस्तों आप देख सकते हैं BIA के बारे में लिखा गया है, ये सिंपलेस्ट अप्रोच है जो कि Basel II के द्वारा रिकमेंड किया गया था। इस अप्रोच से आप ऑपरेशनल रिस्क को मेजर कर सकते हैं। 3 साल का एवरेज इसका, इसके बारे में मेरा केस स्टडी भी वीडियोज अवेलेबल है हमारे चैनल पे। तो दोस्तों हम लोग ईयर का एवरेज लेते हैं, ठीक है, 3 साल का लेते हैं और उस बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लेसन, उम्मीद है दोस्तों चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो फ्रेंड्स एक लाइक जरूर कर दीजिएगा इस पार्टिकुलर लेसन को, और फ्रेंड्स यदि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं और भी लोगों को साथ जोड़िए इस चैनल के साथ, ताकि उनका भी CIB अच्छे तरीके से निकले। उम्मीद है दोस्तों आपका BFM आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा, और यदि आपको इस PDF की रिक्वायरमेंट है तो नीचे WhatsApp का नंबर है, इस पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।